हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मेकअप लुक के बारे में। ये मेकअप लुक मैंने अचीव किया है सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स की हेल्प से। तो आइए देखते हैं कि मैंने इस मेकअप को कैसे अचीव किया है। सबसे पहले मैं अपने फेस पर एलोवेरा जेल लगा लूँगी। एलोवेरा जेल आपके फेस को मॉइस्चराइजिंग भी देता है एंड प्राइमर का भी काम करता है। अगर अभी तक आपने मेरी एलोवेरा जेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। उस वीडियो में मैंने बताया है कि 10 ऐसे अमेजिंग एलोवेरा के यूजेस जो आप अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है वो, आप उसको जरूर से देखिएगा। तो ये हम सभी के घर में होता है एलोवेरा जेल, तो ये हमारे मेकअप प्रोडक्ट में नहीं है। नेक्स्ट, आपके पास क्रीम तो हर किसी के पास होती है, या फाउंडेशन या कोई भी मेकअप स्टिक, मतलब फाउंडेशन स्टिक या कंसीलर स्टिक, तो इन तीनों में से एक चीज़ तो आपके पास जरूरी होगी, क्रीम होगी, नहीं तो फाउंडेशन होगा, नहीं तो कोई भी स्टिक होगी। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। मैं डॉट डॉट फॉर्म में अपने सारे फेस पर लगा लूँगी एंड आईलिड और आईज़ के नीचे भी लगा लूँगी, क्योंकि हम कोई और कंसीलर या कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे तो ये हमारे कंसीलर का भी काम करेगा। एंड मैं कोई मेकअप ब्रशेज यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि वो भी मेकअप का प्रोडक्ट का ही पार्ट है। तो मैं फिंगर की हेल्प से बहुत ही स्मूथली तरीके से सारी फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी, नेक पर भी। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है फाउंडेशन, बिल्कुल भी केकी नहीं लग रहा है, अच्छे से ब्लेंड हो गया है। आपको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से ये ब्लेंड करना है। नेक्स्ट मेकअप प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसे आप फेस पाउडर भी बोलते हो। तो मैं कोई अलग से ब्रशेज इसके लिए यूज़ नहीं करूँगी, जो इसके साथ हमें एक छोटा सा ये स्पंज मिलता है, इसी की हेल्प से मैं बिल्कुल जेंटली वे में कॉम्पैक्ट पाउडर को अपने फेस पर लगा लूँगी, ताकि ये जो मेरा फाउंडेशन है वो सेट हो जाए अच्छे से। नेक पर भी लगा लूँगी। नेक्स्ट मेरे पास है ये 2 लिपस्टिक, तो अगर आपको ये पसंद आए तो मैं इनका लिंक भी प्रोवाइड कर लूँगी, आप परचेज कर सकते हैं। ये 2-in-1 लिपस्टिक है, इसमें एक तरफ आपको मैट लिपस्टिक मिलती है एंड दूसरी तरफ आपको नॉर्मल जो आप लिपस्टिक लगाते हो उसी शेड में वो मिलती है। तो ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छी है, अंडर 200 आपको मिल जाएगी, तो 160 या 170 के आसपास ये लिपस्टिक आपको पड़ जाएगी, मैं लिंक दे दूंगी। तो हम तीसरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक की हेल्प से ही मैं ब्लश लगा लूँगी डॉट डॉट करके एंड अपनी फिंगर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। हम इस मेकअप लुक में एक ही लिपस्टिक यूज़ करेंगे। टोटल 4 प्रोडक्ट्स हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैंने देखिए अच्छे से ब्लेंड कर लिया एंड इस लिपस्टिक की बहुत अच्छी खासियत है कि ये बहुत ही शाइनिंग सी लिपस्टिक है, तो ब्लश भी बहुत अच्छा लग रहा है हमारा। नेक्स्ट मैं अपने आई मेकअप के लिए इसी लिपस्टिक को यूज़ करूँगी। मैं हल्की सी लिपस्टिक अपनी आईलिड पर लगा लूँगी एंड उसे फिंगर की हेल्प से जल्दी से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि ये मैट लिपस्टिक है, ड्राई हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगी। एंड मैं उसे अच्छे से ब्लेंड करते हुए उसे क्रीज के ऊपर लेके जाऊंगी। जितने अच्छे से आप अपनी आई शेडो को ब्लेंड करेंगे उतना ही अच्छा वो निखर के आएगा। दूसरी आई पे भी मैं सेम ऐसे ही कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इस लिपस्टिक को अच्छे से ब्लेंड कर लिया एंड आपको बिल्कुल थोड़ी सी लिपस्टिक ही लगानी है, क्योंकि ये मैट है तो अदरवाइज ज़्यादा ही कलर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा 4th प्रोडक्ट है वो है काजल। तो मैं काजल को थोड़ा सा अपने वी लाइन पर हल्का सा लगा लूँगी, क्योंकि मुझे देना है हल्का सा स्मोकी आईज वाला लुक। एंड लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से अपनी फिंगर की हेल्प से सिर्फ आउटर वी पर ही इसको मैं जो है ब्लेंड करूँगी। मैं इसको बहुत आगे तक नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ आउटर वी पर ही इसको आप देख पा रहे होंगे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जब वहाँ पर अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा तो मैं उसे अच्छे से अपनी पूरी आईज पर स्मज कर लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट फिंगर से आपको करना है। देखिए कितना प्यारा ये स्मोकी सा लुक आया है, मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है दोनों आईज पर। नेक्स्ट हम इसी लाइनर पेंसिल को से हम लाइनर अपना लगा लेंगे। गाइस, अगर वीडियो मेरी पसंद आया करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।
तो ये मेकअप लुक आप अपने ईद के फेस्टिवल पे भी मतलब कर सकते हो या फिर रक्षाबंधन पे कर सकते हो, क्योंकि भाई हर लेडी के पास सारे मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं होते। तो ये जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, 4 मेकअप प्रोडक्ट्स, ये लगभग सभी के पास ही मिल जाते हैं, तो क्यों ना हम कम से कम मेकअप प्रोडक्ट में एक अच्छा सा लुक क्रिएट करें। तो ये उन सभी लेडीज़ के लिए हैं जो ये सोचती हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते मेकअप प्रोडक्ट, तो वो भी अच्छा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं बस 4 इन मेकअप प्रोडक्ट की हेल्प से। तो ये मैंने अपनी एक आईज में काजल लगा लिया है, दोनों आईज में मैंने इसी लाइनर पेंसिल से काजल लगा लिया है। क्या रहा, ओ आईब्रोज फिल करनी मैं भूल गई थी, तो हमारे पास यहाँ पर आईब्रो पेंसिल तो हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ 4 मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। तो मैं इसी लाइनर पेंसिल से अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी, लेकिन हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है क्योंकि ये लाइनर पेंसिल है तो ये ब्लैक कलर की है एंड बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर की है, तो हमें बिल्कुल अपनी सॉफ्ट हैंड से उसको पकड़ना है, बिल्कुल लाइटली उसको लगाना है, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा ब्लैक लगेगी और वो अच्छी नहीं लगेगी। तो आप देखिए मैंने बिल्कुल नेचुरल सी इसमें फिलिंग की है, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं लग रही, मैंने बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसको फिल किया था। तो ये हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लिपस्टिक रह गई है, तो मैं लिपस्टिक, एक ही लिपस्टिक हमने यूज़ की है आई शेडो के लिए भी, ब्लश के लिए भी, एंड नाउ मैं अपने लिप्स को फिल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एक आउटलाइन कर लूँगी क्योंकि आउटलाइन करने से ना आसानी हो जाती है लिपस्टिक को लगाने में, इसी की हेल्प से मैं आउटलाइन कर लूंगी, देन मैं अपने लिप्स को फिल कर लूंगी। ये लिपस्टिक के जो शेड्स हैं, मतलब ये जो लिपस्टिक है ये बहुत ही प्यारी हैं क्योंकि ये कुछ ही सेकंड्स में एकदम मैट हो जाती हैं। आप कुछ भी खाओ पियो कुछ भी करो, ये मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। एंड मैंने फोल्स आईलैशेस भी अप्लाई कर लिए थे, वो आपके पास ऑप्शनल है, आपका मन है तो कर लीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिएगा। तो फोल्स आईलैशेस के ऊपर मेरी वीडियो अभी मैं थोड़ी देर में उसको भी अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा कि फॉल्स आईलैशेस को फिंगर की हेल्प से हम कैसे लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा रही हूँ, आई मेकअप भी बहुत अच्छा आया है और बस हमने सिर्फ 4 प्रोडक्ट को ही यूज किया है। तो गाइस इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है एंड शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। एंड फॉल्स आईलैशेस को कैसे अप्लाई करते हैं फिंगर्स की हेल्प से, उसकी वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो नोटिफिकेशन बेल दबा देना अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं प्रेस किया है, तो ताकि मैं जब भी अपलोड करूं वीडियो आपको सबसे पहले पता चल जाए। गाइज मुझे जरूर बताना कमेंट करके क्योंकि मुझे आपकी कमेंट। गाइज ये था मेरा आज का मेकअप लुक, आई होप कि आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। एंड गाइज हमने सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स की हेल्प से ही ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो जिन लोगों के पास ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होते मेकअप के, 3-4 प्रोडक्ट्स ही होते हैं, तो वो लोग भी इतना अच्छा खासा लुक इन प्रोडक्ट्स की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और हेल्पफुल रही है तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इससे पहले जाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो कमेंट करके बताया करें क्योंकि